जब ये नाम ही आता है तो क्या दिमाग में आता है? मलाड और मस्ती, मलाड और मस्ती और ये ओकेजन एक्चुअली मलाड है कि अर्ली मॉर्निंग जब आप एक स्टेज पर पहुंचते हो और वहां पर एक क्राउड है और एक्चुअली सुबह सुबह उठने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद एक्चुअली यू गेट सो चार्ज, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, इतने सारे लोग होंगे तो आई थिंक हम लोगों ने इमेजिन ही नहीं किया था। एंड आई एम ग्लैड मलाड इज फुल ऑफ मस्ती, गुड। मैं ऑलरेडी, मेरा सेकंड टाइम है नॉट फॉर मलाड मस्ती, लेकिन इसी स्टेज पे हम लोग आए थे बिग बॉस प्रमोशन के लिए, सो आई जस्ट फील कि ये गली में कुछ वाइब है, ये मलाड एरिया में कुछ वाइब है, क्योंकि यहाँ यूथ जो है 18 से 24 के बीच में जो लोग हैं या 15 से 24 के बीच में, दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ मलाड, सो आई जस्ट फील दैट जहाँ यूथ है वहाँ ये फेस्टिवल्स और इवेंट्स ज़्यादा होनी चाहिए। सर, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है कांग्रेस के विधायक अस्तित्व, उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैं उनके सेट पे शूटिंग कर चुका हूँ, विच वॉज दैट मालवनी में, सो आई नो हिम, और उनके उनकी बेटी असलम शेख, सो उनकी बेटी जिनसे शादी हुई है महबूब, उनके साथ मेरी दोस्ती है, सो मैं उनका बहुत ही क्लोज हूँ, सो आई जस्ट नो, मैं उनसे मिला भी हूँ, और ऐसा होता है कि एक पॉलिटिशियन पास हो रहा है ऐसे कभी मुझे फील नहीं हुआ, वो आते थे हमारे सेट पे, हम लोग रुकते थे, बातें करते थे, कैसा चल रहा है आपका, क्या हो रहा है, क्या नहीं, सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग टू मीट अ पॉलिटिशियन सो डाउन टू अर्थ। मलाड के जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि यहाँ की शॉपिंग बहुत ही बढ़िया है, फर्नीचर से लेके कपड़े से लेके मेकअप तक, आई लव मलाड फॉर द शॉपिंग, लेकिन ट्रैफिक अगर कम हो तो क्या बात, क्या बात, क्या बात, आई विश देयर वाज लेस ट्रैफिक। और मुंबई की जनता के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अब हमें उठना चाहिए और गंदगी को अपने हाथ में लेना चाहिए, मतलब घर घर पे जो कहा गया है आपको कि वेट गार्बेज ड्राई गार्बेज, थोड़ा कोशिश कीजिए, जस्ट हैव सम सिविक सेंस या बॉम्बे, जस्ट हैव सम सिविक सेंस एंड उसमें यू नो जस्ट बी अटेंटिव, बट आई थिंक दैट्स वाई मिस्टर असलम शेख जो कर रहे हैं यू नो हमारे सिटी के लिए इज़ ग्रेट एंड वी शुड ऑल्सो डू समथिंग इन रिटर्न।